नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल ए टू जेड रिपेयरिंग में। दोस्तों, एक हमारे पास 14 इंच का बेस्टोन का सीआरटी टीवी आया हुआ है रिपेयरिंग के लिए। और इसमें फॉल्ट क्या है कि जब मैं इसमें लाइन देता हूं तो यहां पे एच लाइन आता है और इसमें साउंड ओके। तो अभी मैं इसमें लाइन दे के आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें मैं लाइन दे चुका हूँ और टीवी हमारा ऑन हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं टीवी ऑन हो चुका है, एच लाइन आ रहा है। तो अभी इसको खोल करके देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो दोस्तों, टीवी को मैं खोल लिया हूँ और देख सकते हैं किट में कितना सारा डस्ट है। तो ये प्रॉब्लम डस्ट के वजह से नहीं है, लेकिन यदि आप रिपेयरिंग करते हैं तो सबसे पहले सारा डस्ट को जो है साफ करना होता है। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम देख रहे हैं, इसको रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि ये प्रॉब्लम किस सेक्शन से है। तो इधर का जो साइज है वो हॉरिजॉन्टल साइज है और इधर का जो साइज है वो वर्टिकल साइज है। तो मेरा हॉरिजॉन्टल साइज आ रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है वर्टिकल साइज में, ठीक है। तो चलिए वर्टिकल सेक्शन में ये देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से है। तो वर्टिकल सेक्शन में प्रॉब्लम को देखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि ये वर्टिकल आईसी पे देखना है कि सप्लाई हमारा आ रहा है कि नहीं। तो इसमें मैं लाइन दे चुका हूँ और मीटर का एक प्रोड को मैं ग्राउंड में लगा लेता हूँ और मीटर को जो है 200 वोल्ट डीसी रेंज में सेट करना है। और ये जो सप्लाई आया हुआ है ये है वर्टिकल सेक्शन में जाता है, 25 वोल्ट 24 वोल्ट 25 वोल्ट जाता है। इसको ट्रेस करेंगे, यहाँ आया हुआ है। यहाँ पे सप्लाई हमारा आ रहा है, तो ये सप्लाई आ रहा है। तो अब जो है क्या करेंगे, एक बार जो है ये आईसी को बदल के देखेंगे। अगर थोड़ा बहुत स्क्रीन कटता है तो वर्टिकल सेक्शन में जितने भी कैपेसिटर लगे होते हैं सभी को बारी बारी से बदल के देखना पड़ता है, लेकिन इसमें जो है एच लाइन आ रहा है यानी कि पूरा का पूरा स्क्रीन कट रहा है। तो इस कंडीशन में ये वर्टिकल आईसी को चेंज करके देखेंगे। तो चलिए ये आईसी को चेंज करके देख लेते हैं। दोस्तों, ये आईसी को मैं खोल लिया हूँ और इसका नंबर जो है 78040 है, ठीक है, देख सकते हैं LA78040। तो इसके जगह पे नया आईसी जो है मैं लगाने वाला हूँ। ये आईसी देख सकते हैं, नया आईसी है और इसमें मैं थर्मल पेस्ट लगा लिया हूँ, कूलिंग पेस्ट जिसे कहते हैं। ये पेस्ट लगाने से आईसी जो है जल्दी नहीं खराब होता है। तो अभी चलिए ये आईसी को लगा करके देखते हैं कि जो हमारा प्रॉब्लम है वो ठीक हुआ है कि नहीं। और दोस्तों, एक जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि मेरा जो भृगुनाथ व्लॉग चैनल है उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करें और उस चैनल को भी सपोर्ट करें। इस चैनल पे आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है और 45,000 प्लस सब्सक्राइबर हो गया। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से थोड़ा सा नाराज़ हूँ क्योंकि अभी तक जो है 2-3 महीना होने चला है और 1,000 सब्सक्राइबर भी जो उस चैनल पे नहीं हुआ है। तो प्लीज़ दोस्तों, हमारे भृगुनाथ व्लॉग चैनल को भी जो है सब्सक्राइब करें और वहाँ भी सपोर्ट करें। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उस चैनल को जो है मोनेटाइज कराने में हमारी मदद करें। तो चलिए ये आईसी को लगा लेता हूँ, इसके बाद में देखते हैं कि प्रॉब्लम ठीक हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों, इसमें मैं वर्टिकल आईसी लगा लिया हूँ और अब जो इसमें लाइन दे करके मैं चेक करता हूँ कि अभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो अभी इसमें मैं लाइन दे चुका हूँ और लाइन देने के बाद में देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। तो देख सकते हैं अभी भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो ये प्रॉब्लम वर्टिकल आईसी से नहीं था, तो ये प्रॉब्लम और कहाँ से हो सकता है? तो ये प्रॉब्लम जो है योक से भी हो सकता है। तो अभी देखेंगे कि योक में कहाँ से प्रॉब्लम है और ये योक जो है रिपेयर हो पाता है कि नहीं, क्योंकि नया योक लगाने में जो है पैसा ज़्यादा लग जाएगा और बिल भी पार्टी को मैं बहुत कम बताया हूँ। मुझे लगा था कि ये आईसी वगैरह बदलने से हो जाएगा। तो जो भी हो, अगर योक रिपेयर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो योक को जो है नया डालना होगा इसमें। तो अभी इसको हम खोल लेते हैं। तो दोस्तों, योक को खोलने के लिए सबसे पहले आपको इसमें कुछ सावधानी बरतना है। तो वो क्या करना है आपको, ये जो कार्बन का रिंग देख रहे हैं, ये कार्बन रिंग पे आपको मार्कर या पेन से जो है इस तरह से, सॉरी इसमें लाइन दिया हुआ है, थोड़ा सा झटका दे रहा है तो इसको लाइन से मैं निकाल दिया हूँ टीवी को, मार्कर या पेन से इस तरह दागी दे देना है ताकि जो है जब ये कार्बन रिंग को खोलेंगे तो ये एक अपने जगह पर फिक्स रहेगा। दोस्तों, देख सकते हैं कि ये कार्बन रिंग पर जो है पेन से मैं इस तरह दागी दे दिया हूँ ताकि ये रिंग जो है इधर उधर अगर घूम जाएगा तो उसको मिलाने में जो है सुविधा होगी। अगर ये रिंग घूम जाएगा तो कलर जो है डिसकलर हो जाएगा, मतलब जो पिक्चर का जो नेचुरल कलर होता है वो डिसकलर हो जाएगा।
इधर उधर जो है कलर का जो धब्बा आएगा पिक्चर पे, तो इसीलिए इस तरह मार्कर से आपको दागी दे लेना है। और इसको जो है खोलने के लिए क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा थिनर वगैरह का यूज करना है, थिनर वगैरह डाल करके जो है आपको ये कार्बन को ढीला कर लेना है। और यहाँ पे एक स्क्रूप है तो ये स्क्रूप को भी ढीला कर लेना है आपको। तो यहाँ पे एक इसमें भी जो है कार्बन पर भी जो है रहता है लगा हुआ इस तरह का स्क्रूप, तो इसमें नहीं है। तो आपको जो है इसी तरह से जो है यहाँ पे थिनर वगैरह डाल करके ये कार्बन को खोल लेना है। तो सबसे पहले ये बेस को मैं खोल लेता हूँ। तो दोस्तों योक को मैं पिक्चर ट्यूब से अलग कर लिया हूँ, और इसको रिपेयरिंग करने के लिए सबसे पहले इसमें आपको जानना होगा कि अंदर जो होता है वो हॉरिजॉन्टल साइड के लिए जो है वाइंडिंग रहता है, योक का वाइंडिंग अंदर जो होता है वो हॉरिजॉन्टल साइड के लिए, और बाहर जो होता है वो वर्टिकल साइड के लिए, ठीक है। तो अभी जो है चेक करेंगे, तो ये जो पीछे वाला दो पॉइंट आपको दिख रहा है तो ये जो है वो हॉरिजॉन्टल साइड के लिए है, यानी कि ये देख सकते हैं कि ये अंदर से गया, यानी कि जो ये वाला वाइंडिंग है ये जो है इसका दोनों लूप जो है यहाँ पे आया हुआ है, और ये जो बाहर वाला वाइंडिंग है इसका लूप जो है यहाँ पे आया हुआ है। तो ये दो पार्ट में जो है बना हुआ है। तो अभी जो हम लोगों को देखना है वो बाहर वाला वाइंडिंग को देखना है, क्योंकि ये बाहर वाला वाइंडिंग जो है वो वर्टिकल साइड के लिए है। तो अभी मीटर से इसको मैं चेक करके दिखा देता हूँ, हालांकि मैं पहले ही चेक कर लिया था पिक्चर ट्यूब से योक को खोलने के पहले, तो मैं आपको नहीं दिखाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो जब भी आपको योक खोलना है तो पहले कंटिन्यूटी आपको चेक कर लेना है योक का कि बता रहा है कि नहीं। तो अभी देखिए मीटर को कंटिन्यूटी रेंज में सेट किए हैं, और सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल साइड का कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मीटर से कंटिन्यूटी बता रहा है, और यहाँ पे चेक करते हैं वर्टिकल साइड का वाइंडिंग को, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। तो ये दो पार्ट में जो है बंधा हुआ है, यानी कि ये दोनों वाइंडिंग जो है सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बता रहा है। अब यहाँ से यहाँ का दूरी चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए नहीं बता रहा है। तो होता क्या, कभी कभी जो है यहाँ से कनेक्शन कट जाता है, यहाँ पे जो कनेक्शन है वो यहाँ से कट जाता है, चाहे तो ये वाला कनेक्शन यहाँ से कट जाता है। तो इसमें देखेंगे कि अंदर से खराबी है या यहीं से कनेक्शन कटा हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसका वायर को जो है हल्का सा स्क्रैच कर दिया हूँ चेक करने के लिए, जैसा कि देख सकते हैं, और इसका वायर को भी यहाँ से थोड़ा सा स्क्रैच किया हूँ, देख सकते हैं। तो अभी जो है हम चेक करते हैं, तो मीटर का एक प्रोड को यहाँ रखेंगे, और यहाँ पे देखिए बता रहा है, यानी कि ये लूप जो है ये पॉइंट में प्रॉपर जो है कनेक्ट है, यहाँ से कटा हुआ नहीं है। फिर जो है ये वाला लूप को चेक करेंगे, देखिए ये वाला भी लूप जो है ठीक है, यहाँ से टच नहीं हो रहा है मीटर का प्रोड बढ़िया से। देखिए ये वाला लूप भी जो है ये पॉइंट में कनेक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि अंदर से कहीं से कटा हुआ है ये वाला साइड कटा हुआ है, क्योंकि यहाँ से देखिए ये वायर इधर गया हुआ है, और इसको वाइंडिंग करके जो है यहाँ से जो दूसरा वायर है वो यहाँ आया हुआ है। तो सबसे पहले तो अभी हम इसको खोलेंगे, और खोलने के बाद में देखना है कि ये वाला वाइंडिंग को रिपेयर करके देखते हैं रिपेयर हो पाता है कि नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे लॉक होता है दोनों साइड, जैसा कि देख सकते हैं, तो ये दोनों लॉक को सबसे पहले खोलना होगा। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसको रिपेयर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले पेचकस की मदद से जो है यहाँ ये लॉक को इस तरह से हटा लेना है। और दोस्तों ये लॉक को हटाने के बाद में यहाँ पे गोंद जो लगा हुआ है इसको, ये गोंद को हटाना है। तो इसके लिए तो थोड़ा सा इसमें थिनर डालते हैं। देखिए थिनर डालने के बाद में ये गोंद थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। तो
ये देखिए, ये हमारा कॉइल जो है निकल रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं कि यहां से जो है ये दोनों लूप को जो है कट कर देते हैं, ताकि जो है इसका वाइंडिंग को दोबारा से खोल के जो है रिपेयर करने में सुविधा हो, और बाद में जो है हम यहाँ पे लगा देंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन साइड वाला वाइंडिंग जो है कहाँ पे है। तो इस तरह से हम यदि योक को रखते हैं तो इधर वाला जो लूप निकला हुआ है वो यहाँ है, और इधर लास्ट वाला लूप जो है इधर लास्ट में है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको ये वाला वायर को जो कट कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये वाला पार्ट को निकालने के बाद में इसको जो है मीटर से पहले चेक कर लेते हैं इसका कंटिन्यूटी को, कि हमारा कंटिन्यूटी जो है इसमें बता रहा है कि नहीं। तो देखिए, ये वाला निकालने के बाद में इसमें कंटिन्यूटी बता रहा है, तो इसका मतलब था कि यहाँ से ही जो है प्रॉब्लम होगा। हालांकि मीटर से जैसा कि देखे होंगे, आपके सामने चेक किया था, उस समय जो है कंटिन्यूटी जो है ये वाला कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा था, और यहाँ से जो है मैं इसको चेक किया था तो कंटिन्यूटी जो है मिल रहा था। तो इसका मतलब है कि यहीं से जो है कोई प्रॉब्लम होगा, इसको मुझे बेकार में खोलना पड़ गया। तो अभी इसका यहाँ तक कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो बता रहा है, यानी कि इसका कंटिन्यूटी बता रहा है और इसका भी कंटिन्यूटी बता रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये वाला वायर को यहाँ पे लगा देंगे और ये वाला वायर को यहाँ पे लगा देंगे दोबारा से लगाने के बाद में। इसके बाद फिर जो है चेक करेंगे, देखेंगे कि जो है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। सोल्डिंग कर दिए हैं और अब जो है इसका कंटिन्यूटी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ एक बार। देखिए, पहले यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं मिलता था, इस दोनों वाले पॉइंट में मिलता था। तो अभी देखिए कंटिन्यूटी तीनों में मिल रहा है, तो ये योग जो है वो सही हो गया है। दोस्तों, यहाँ से जो है कटा हुआ था, पर मुझे नहीं पता चला था, जब खोले इसको तब पता चला कि ये यहाँ से कटा हुआ था। थोड़ा बहुत सटता होगा, इसीलिए लगे मैं जब चेक कर रहा था तो कंटिन्यूटी बता रहा था। अगर ये अंदर से भी खराबी होता तो भी इसको मैं रिपेयर कर लेता, क्योंकि ये रिपेयर करना कोई बड़ा काम नहीं है। यहाँ पे जो गोंद वगैरह लगा हुआ होता है, ग्लू रहता है इस पर, ये ग्लू वगैरह को थोड़ा बारीकी से कवाड़ना पड़ता है। इसके बाद में जो है इसको खोल करके, अगर यहाँ से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, अंदर से कटा होगा, तो इसी तरह इसको निकाल करके, ये ग्लू को बढ़िया से निकाल करके, ये वाइंडिंग को आप खोल करके दोबारा से जहाँ से कटा हुआ होगा वहाँ से दोबारा से सोल्डिंग करके जो है आप ये कॉइल को रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तो मैं दिखा दिया कि ये कॉइल रिपेयर हो गया है, और अब जो है इसको जो है मैं पिक्चर ट्यूब में लगा करके चेक करता हूँ कि जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों, बेस को मैं पिक्चर ट्यूब में प्रॉपर ढंग से लगा चुका हूँ, देख सकते हैं वही बेस है। और अब जो है मैं टीवी में लाइन दे रहा हूँ, और लाइन देने के बाद में देखते हैं कि जो इसका प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। तो टीवी में अभी मैं लाइन दे चुका हूँ, टीवी ऑन हो रहा है। देखिए, अब जो है बिल्कुल पूरी तरह से टीवी ठीक हो चुका है, जो पहले एच लाइन आता था वो ठीक हो चुका है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।